आईआईटी मुंबई का डिस्कस करना चाहते हैं इसमें आने वाले की रिपोर्ट है। आने वाले में क्या क्या होता है, क्या दिक्कत है, यहाँ पर बच्चों को कैसे व्यवहार किया जाता है, क्या अध्ययन चलाया जाता है, उसके बारे में वो आपसे जानकारी चाहिए। पहला क्वेश्चन मैडम, क्या क्या सुविधा है यहाँ पर? सुविधाएं ये हैं कि हम छोटे से 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को ही हमारे यहाँ मतलब सुविधाएँ दी जाती है। जैसे 0 से हम गर्भवती महिलाओं की केयर करते हैं, फिर जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं की केयर करती है, जैसे बच्चा होता है तो उससे मिलने जाते हैं, उसे ये बताया जाता है कि तुम इसे 0 से 6 माह तक दूध पिलाओ, फिर उसे खाने के बारे में बताया जाता है। गर्भवतियों को तो अपने पोषण आहार के लिए बताया जाता है, क्योंकि गर्भवती से ही हम केयर करते हैं। 3-4 महीने में हम एंट्री कर लेते हैं, अपने रजिस्ट्रेशन में उनका पंजीयन कर लेते हैं, और उसके बाद 6 माह से फिर हम बच्चों को ठीक है पूरा टीकाकरण का ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, उसे फर्स्ट BCG लगा के लगाया, उसे पोलियो बूस्टर किया कि नहीं किया, फिर उसे सेकेंड DPT लगा के नहीं लगा, उसे DPT फर्स्ट, DPT सेकंड, DPT थर्ड लगा के नहीं लगा, उसके साथ हेपेटाइटिस ये भी लगे कि नहीं लगे, जीरो पोलियो। हाँ, और फिर जैसे बच्चा 6 माह का होता है तो हम उसे उसका अन्नप्राशन करवाते हैं, अन्नप्राशन में उसको खाना वाना खिलाना, जैसे दाल का दाल पानी ये देते थे पहले, अब ड्राइंग दाल चावल और फूली पतली वाली, और ये हमारे यहाँ सत्तू आता है, जो हमारे यहाँ आता है उसको हम जो पैकेट आते हैं उसका बनाना बताते हैं कि कैसे पोषण आहार बनाया जाता है। मैम यहाँ पर क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है? दिक्कतें तो कुछ नहीं, जो नहीं समझते हैं उनके उनसे ही प्रॉब्लम है, जो समझदार है जो समझ जाते हैं वो उनसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे बच्चे हमारे पास भेजते नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, वो समझते हैं कि सरकारी है या कुछ नहीं तो नहीं, लेकिन हम नई नई तरह की, जैसे 1 वर्ष का बच्चा होता है उसको हम जैसे बिठाना चालू करते हैं तो उसको हम बहुत सारी जानकारियाँ देते हैं, जैसे खेल खेलो, बच्चों के बीच में बैठना, बच्चों से बच्चों के बीच में सामूहिक खेल करवाना, सामूहिक खाना कैसे खाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज, जैसे कि उनको चम्मच से खाना, उनके हाथ साफ करवाना पहले खाने के पहले, टॉवेल से पोछना बताते हैं, और अपने मुंह होना सारी कंगी कैसे, बच्चे कांच में उनका चेहरा जब वो आते हैं तब दिखाते हैं कि कैसे है, उनको सफाई के बारे में बताते हैं। हाँ, समस्या ये है कि बच्चे नहीं आ पाते। हाँ, मतलब हम तो पूरी कोशिश करते हैं, हम हमारी कोशिश से ही आते भी बच्चों को लेके जाते। हाँ, समय खाना तो टाइम बच्चे भी टाइम बच्चे समय पे बच्चे मैडम यहाँ पर आप क्या क्या योजनाएं अभियान चलाते हैं बच्चों के लिए? यहाँ पर हम जैसे कि बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देते हैं, तो हम उनके माता पिता से मिलकर कुछ हम हमारे जो सरकारी प्रोडक्ट आते हैं खिलौने, उनसे खेल खिलाना सिखाते हैं, फिर उनके लिए जैसे टीकाकरण का अभियान है, फिर उनके लिए वजन अभियान है, वजन के द्वारा हम ये बताते हैं कि ये बच्चा तुम्हारा कुपोषित है, कि सही वजन है इसका, अति कम है कि सामान्य में है कि कम में है, ऐसा हम उसका वजन बता देते हैं, ये अभियान चलाते हैं। फिर हम पोषण आहार दिवस मनाते हैं, तो उनमें महिलाओं और बच्चों को ये बताते हैं कि आप क्या खाते हो, क्या ICDS सप्ताह मनाते हैं, और हम स्तनपान सप्ताह मनाते हैं जिनमें महिलाओं को 0 से 6 माह तक केवल पानी भी नहीं देना, सिर्फ अपना स्वयं का दूध पिलाना, ये हमारा अभियान है। लाडली लक्ष्मी का अभियान है कि जैसी पहली बच्ची जन्मे आप लाडली लक्ष्मी करवाइए, और भ्रूण हत्या से भी रोक मिलती है, बेटी बचाओ अभियान भी हम चलाते हैं। हमारे यहाँ एक वो जो उषा किरण योजना चल रही है उसमें भी महिलाओं अगर प्रताड़ित है तो केस लगा सकती है, हमारे यहाँ बहुत सारे अभियान चलते हैं। आपने वो सितंबर का बताया था पोषण, हाँ पोषण आहार दिवस, वो भी हम होते हैं बच्चों को बुलवाते हैं, और 1 बजे तक उनको हमारे पास, और 9 से 1 तक उनका सारा जैसे सुबह से उनको घंटी बजाकर बच्चों माताओं को आमंत्रित करना, उसके बाद उनको समय पर उनके हाथ मुंह धुलवाना, फिर कंगी करना, स्वच्छता से बैठाना, व्यक्तिगत साफ सफाई की संदेश देना, और फिर प्रार्थना बुलाना, फिर गोल घेरे में बिठा कर उनको नाश्ता, और साथ में सामूहिक खेल, सामूहिक खाना,
ये सब बताते हैं कि कैसे करके हम फिर 10 से 12 बजे तक खेल खेल में शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा देते हैं, जैसे मिट्टी के खिलौने, बिल्कुल सस्ते सस्ते प्रोडक्ट, तो जैसे कि वो आइसक्रीम की जो डब्बियाँ निकलती हैं उनकी ढोलक बनाना बताते हैं, और हमारे पास जो आसपास जो हमारे रूम में ये जो ब्लैक फूका हुआ है इस पर हम उनको चौक देते हैं, और धीरे धीरे उनकी मांसपेशियों को पेंसिल पकड़ने के लिए मजबूत करते हैं, उनको चौक पकड़ाते हैं, पेंसिल पकड़ाते हैं उनपे, उनको कुछ भी चित्रना, कुछ भी भले कुछ भी ड्राइंग बनाए, कुछ भी चित्र पर करें, कुछ भी करें, और यहाँ पर बच्चे 1 बजे तक कुछ ना कुछ करते रहते हैं।